मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। जी हाँ, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो बोल रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को और सपनों को मैं आगे लेकर जाऊंगा। अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि शाम को 7 बजे देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री शपथ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता हुआ और मैं सरकार को बाहर से सपोर्ट करूंगा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी एकनाथ शिंदे को, जो आज शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कह रहे हैं कि मैं अब असली शिवसेना हूं, नंबरों के लिहाज से भी और साथ ही हिंदुत्व के विचारों और सपनों के लिहाज से भी, जो एक लौता मकसद था बाला साहेब ठाकरे का। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा फेरबदल जो हमें आता हुआ भी दिखाई दिया, इस पर हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। भूषण नागर हमारे साथ है, अरविंद जयतिलक और तेजस मेहता, आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे एकनाथ शिंदे। भूषण नागर जी, पहला सवाल आपको, ये किस तरह का दांव खेला है बीजेपी ने? सबसे पहली बात हमें आपसे यही समझनी है। भूषण नागर जी, क्या ये सवाल मुझसे है? जी मैं विनोद यादव बोल रहा हूँ। विनोद जी बताएं, यहाँ पे बीजेपी ने किस तरह से गेम पलटी है और क्यों देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को चुना गया है? देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस भले ही घोषणा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, पर जिस तरह से सरप्राइजिंग नाम आया है, इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे देवेंद्र जी का हाथ कम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रोल ज्यादा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरप्राइज देने की राजनीति करते हैं, तो इसके पीछे देवेंद्र जी का रोल बहुत कम रहा। शुरू से ये माना जा रहा था कि इसके पीछे देवेंद्र जी का रोल बहुत कम है, क्योंकि वो साइलेंट थे, वो बहुत कम बात कर रहे थे, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं होंगे। आज ये बात साबित हो। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में अब बैसाखी की सरकार होने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे जो सरकार रहेगी उसकी मजबूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहेगी उस तरह से उसे मुंह करना है। इसके पीछे की एक रणनीति और ये रही कि एकनाथ शिंदे 39 या 40 विधायकों को लेकर जब अलग हुए, तो महाराष्ट्र में खास करके मुंबई और थाने के अंदर जिस तरह से शिवसैनिकों के अंदर असंतोष है, गुस्सा भरा हुआ है, उस गुस्से की सरकार क्यों कह रहे हैं? विनोद साहब जरा ये समझाइएगा जी, बैसाखी की सरकार आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, बैसाखी की सरकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास में तो 145 या 144 का मैजिक फिगर तो है नहीं। उन्होंने अब खुद बताया कि उनके पास 50 MLA है, 50 MLA से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास में 106 विधायक है। तो 106 विधायक जो है उसकी सरकार बननी चाहिए थी, बनाई गई है 50 विधायक वालों की सरकार बनाई गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिसके पास में बहुमत नहीं है उसको सरकार में रखा गया है और उसकी मजबूरी होगी कि आने वाले क्या समय संदेश में दिया जा रहा है। तेजस मेहता, आप क्या डिकोड कर रहे हैं? ये देवेंद्र फडणवीस इस पूरी जो एक जो जो बगावत की है, ये 50 लोगों ने उसमें वो शामिल नहीं थे, उसका हाथ नहीं था, ये सिर्फ अमित शाह और दिल्ली से कर रहे थे। ये पिछले 6 महीने से ज्यादा इसमें लोग शामिल थे। हम मुंबई से है, यहाँ सुनते रहते हैं कि क्या होता रहता है, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ एक कोशिश कब से जारी है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस का अपना एक स्टेक ज्यादा था, क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो उनकी थी, जो शिवसेना और बीजेपी को साथ में जो बहुमत मिली थी वो उनकी वजह से एक बहुमत मिली थी, उनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव कंटेस्ट किया गया था, वो जीते भी थे। तो बात है कि वो नाखुश थे कि जिस तरह से शिवसेना चली गई, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो ये पद क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सबको नेचुरली स्तंभ कर दिया है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि देवेंद्र फडणवीस वापस, जो उनका जो ये जो मत मिला है, जो जनादेश मिला था वो उनके लिए मिला था, वो वापस लेंगे। लेकिन एक जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है, एक कारण ये हो सकता है कि लोगों के मन में बीजेपी ये सोचने के लिए एक प्रयास कर रही है कि
वो इस इसके पीछे नहीं थी, और दूसरा जो मुख्यमंत्री थे, जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो शिवसेना के थे और अभी भी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा। तो एक मैसेज जाता है अपने समर्थकों में और शिवसेना के समर्थकों में कि देखिए हमने ऐसा नहीं किया कि हम आके अभी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। जो चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी के थे अभी भी वही पार्टी के चीफ मिनिस्टर है। अब और तो अब क्या होगा कि जो समर्थक है, जो वोटर्स है, उनको लगेगा, जो शिवसेना के वोटर्स है, कि देखिए हमारी पार्टी अभी भी सत्ता में है, अभी भी पावर में, जो सबसे अहम पोस्ट होता है मुख्यमंत्री का, वो अभी भी हमारे पास है। और इसका जो फायदा है जो बीएमसी में आ सकता है, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, और दूसरा जो 2024 का चुनाव होगा वहां भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए ही उठाए जाते हैं अपने, और इसीलिए इस कदम को एज अ मास्टर स्ट्रोक ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप शिवसेना का मुख्यमंत्री रखते हैं तो आपके पास शिवसेना का नाम होता है, विधायकों का सहयोग होता है, और साथ ही जो विश्वास की बात है, और खास तौर से राजेश जी यहाँ पे समझना ये भी होगा कि जिस तरह से अब उद्धव खेमा जो है पूरी तरह से हम हैं कि मुसीबत में है, पार्टी बचाने की भी कोशिश वो कर रहे हैं जो कि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उनके पास जितने विधायक है वो भी यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मास्टर स्ट्रोक के बाद। देखिए वो विधायक 10 12 16 जो बचे वो आए या ना आए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हाँ, सरकार ने जो सबसे बड़ा चीज ये किया है कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात बोली है कि भले ही एकनाथ शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे, बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट किए थे अपनी सरकार पिछले सरकार के दौरान, उन सभी प्रोजेक्ट्स को, उन सभी चीजों को आगे ले जाया जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से वो ये बीजेपी की जो सरकार ने जो काम किए थे उसी कामों को, उनका ये कहना है कि उद्धव सरकार आने के बाद वो सब रुक गए थे, अब उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम फास्ट ट्रैक करेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो ये एक बड़ी बात कही है कि भले ही सरकार जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन एजेंडा जो है वो बीजेपी का होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना ने साथ साथ इलेक्शन लड़ा था और जो जनता ने वोट दिया था इन दोनों को सरकार बनाने के लिए दिया था, और लगभग 170 एमएलए इनके पास आ रहे थे, लेकिन सिर्फ उद्धव के जिद के चलते ये शिवसेना जो है वो अलग हो गई थी, और एनसीपी और कांग्रेस जिनके साथ वो सरकार बनाने के लिए लड़ाई की थी उन्हीं के साथ ही सरकार बनाई। तो अब उनका ये कहना है कि अब हमारी ही सरकार बनेगी, भले ही बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ना हो, चीफ मिनिस्टर शिवसेना के ही बागी नेता होंगे, लेकिन जो काम पहली सरकार में हुई थी बीजेपी सरकार में वो सारे काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी मुझे अभी आप ये बताएं कि जिस तरह से ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है उद्धव खेमे के विधायकों की, अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें एनसीपी की बात करें, चारों खाने चित, कैसे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं या उनका खात्मा कर दिया है, क्या बोलेंगे आप अरविंद जी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसका दाहिना हाथ काम करता है, बाएं हाथ पता नहीं चलता है। अब देखिए पूरी मीडिया, पूरे विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हो गया उल्टा, एकनाथ शिंदे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत बड़ा दाव खेला है। देखिए आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्य मिलकर के लोकसभा में आधी सीट जो जीत जाता है लगभग वह जो है प्रधानमंत्री बनता है। आप 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, तकरीबन जो है ये तीनों मिलाकर के 168 सीट लोकसभा की है, जिसमें भाजपा और सहयोगी दल मिलकर 144 सीट जीते थे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात की इसका आकलन कैसे होगा कि 2024 में इसका फायदा मिलेगा। बीएमसी का चुनाव है, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को सिर से लेकर धड़ तक दो फाड़ कर दिया है। अब उनके पास जो है 18 सांसद हैं, कुछ विधायक हैं। अब चूंकि एकनाथ शिंदे जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, स्वाभाविक रूप से उनकी जो मान्यता होगी वह शिवसेना के तौर पर होगी, और यह माना जाएगा कि चूंकि दो तिहाई विधायक भी इनके साथ हैं, और आपने देखा कि ठाणे से लेकर के अन्य नगर निगम में उसके काफी जो है जो कारपोरेटर है इनके पक्ष में आ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से शिवसेना को खत्म करने की यहाँ पे भाजपा ने पूरा इंतजाम किया है। उसका कारण क्या है कि जब 2024 के इलेक्शन होंगे तो अगर शिवसेना अपना वहां पे उम्मीदवार खड़ा करेगी तो सर्वाधिक जो वोटों का चलिए यहाँ पे तकनीकी दिक्कत है। तेजस जी आप बोलना चाहते हैं, जो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद जी?
देखिए मैं जो अरविंद जी कह रहे थे मेरे ख्याल से वो ये है कि जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है वो बहुत बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि ये बीएमसी जो है वो सबसे एशिया में मानी जाती है सबसे रईस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और ये देखते हुए भाजप और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ की जो वोट बैंक है वो उनके पास रहे। तो इसका एक तरीका यही हो सकता था कि एकनाथ शिंदे को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो मुंबई के शिवसेना समर्थक है, जो बहुत सालों से ठाकरे परिवार को मानते हैं, उनको पूछते हैं, वो हो सकता है कि उनमें से काफी लोग अभी नाराजगी से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि उनके ही गुट से, शिवसेना के गुट से एक आदमी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो जो नाराजगी जो हो सकती थी जो बाकी जो समर्थक बचे थे, देखिए ये जो लोग चले गए हैं वो विधायक चले गए थे, ठीक है, लोग अभी भी काफी लोग शिवसेना में मानते हैं, जो उनके जो समर्थक थे वो ठाकरे परिवार में मानते हैं, ये दो अलग बात है। तो वो लोग को अभी कैसे नाराज ना रखे, क्योंकि जो आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने उन्होंने ठाकरे परिवार को एक बिट्रेयल किया था, तो ये एक धब्बा जो है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं ये आगे की रणनीति मुझे लगती है कि इसमें से जो रणनीति जो एक जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं ये यही फोकस पे है, यही एम है उनका कि जो बीएमसी का चुनाव आ रहा है और 2024 में जो चुनाव होगा उनमें जो शिव सैनिक है, जो शिव सैनिक के वोटर्स है, ठाकरे परिवार के वोटर्स है, वो कहीं गायब ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि देखिए अब तक जो भी आरोप लगे हैं, ये जो एकनाथ शिंदे का गुट है, किसी ने भी ठाकरे परिवार के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला है। जो आरोप थे वो सिर्फ यही थे कि ये जो अलायंस था एमबीए का वो एक अननेचुरल अलायंस है और आप इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं, लोग नाराज हैं, विधायक भी नाराज है। तो जो आरोप लगे थे जो कोई किसी ने भी आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, एक व्यक्तिगत एलिगेशन लगाया नहीं है। जो भी बातें थी वो सिर्फ एक हिंदुत्व के ऊपर थी, आइडियोलॉजी के ऊपर थी। तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुला है कि आगे कुछ भी हो सकता है। आज हमने देखा है कि ये हो गया है तो आगे दोबारा हम ये भी देख सकते हैं कि उनको लगता है कि ठाकरे परिवार का जो दबदबा है अभी भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो दोबारा ला सकते हैं। तो मुझे ऐसे अभी कुछ कहना कि ये खत्म करने की कोशिश अभी कर देंगे मुझे लगता नहीं है, ये वेट एंड वॉच का मामला है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि ये एकनाथ शिंदे को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो उसमें एक ही चीज हो सकती है कि उनका जो वोट बैंक है वो शिवसेना से आता है, उनको नाराज ना करे, क्योंकि यही वोट बैंक उसमें से काफी लोग हो सकता है उद्धव ठाकरे के पास ही रहे, जो एकदम करीबी वोट बैंक होता है, लेकिन काफी लोग मानेंगे कि ये नया बाला साहेब ठाकरे का एक शिवसेना है, तो उनको वोट बैंक वो कैसे काम करेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे काफी दबंग माने जाते हैं। थोड़ा सा उनकी शख्सियत पर भी बात करेंगे और विनोद जी शायद आप यहाँ पर विस्तार से हमको समझा सके। देखिए महाविकास अघाड़ी सरकार में ये नगर विकास मंत्री थे, 1980 के दशक में शिवसेना में इन्होंने एंट्री की थी, 2004 में ठाणे विधानसभा में ये विधायक भी बने, 2014 में ये विधायक दल के नेता चुने गए, अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में ये विपक्ष के नेता बनकर रहे हैं, 2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का पद भी इनको मिला। विनोद जी, इनकी शख्सियत के बारे में हमको बताया, जिस तरह से योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर बीजेपी ने एक शिवसेना के ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का दाव जो खेला है, आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे वो तमाम लोगों को जो कि बाला साहेब ठाकरे के लिए शिवसेना में विश्वास रखते हैं उनको बटोर पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सही बात है कि एकनाथ शिंदे की जो शख्सियत है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ वाली है, वो बहुत नीचे से ऊपर की राजनीति तक पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे शिवसेना के ऐसे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिनका संपर्क हर पार्टी में हर दल के अच्छे कॉन्टेक्ट के लिए जाने जाते हैं। अब रही बात अगर शिवसेना के ही गुट से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में शिवसैनिकों के अंदर वो अपना जनाधार और बढ़ाएंगे। मैं इस चीज को अभी जो तेजस्वी बता रहे थे उस चीज को थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूँ। ऑपरेशन लोटस जो है, अगर ऑपरेशन लोटस एक उद्धव ठाकरे या शिवसेना को खत्म करने का है
तो वो काम सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही कर सकते हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। शिवसेना असली शिवसेना कौन सी है, इस बात की जब लड़ाई होगी तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका पलड़ा उद्धव ठाकरे से भारी नजर आएगा। शिवसैनिकों के अंदर वो अगर अपनी शख्सियत को लेके जाएंगे, अपने काम को लेके जाएंगे, तो शिवसैनिकों के अंदर भी जो अभी तक जो दो धड़ा नहीं बन पाया ग्रास रूट पे, वो अभी तक नहीं हो पाया। विधान भवन में हो गया है, विधानमंडल के अंदर उनके साथ में अधिकांश विधायक आ गए, पर ग्रास रूट के शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए थे। अब मुख्यमंत्री के रूप में जब वो शिवसैनिकों के बीच में जाएंगे, बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मुंबई और महाराष्ट्र की विकास की बात करेंगे, तब उनकी मान्यता शिवसैनिकों के अंदर बढ़ेगी और जरूरत पड़ने पे हो सकता है कि शिवसेना के अंदर आने वाले समय में दो भाग करने में वो सक्सेस हो जाए। बिल्कुल तेजस जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे और जैसा कि विनोद जी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस, ये ऑपरेशन लोटस जो है ये कहीं ये तो नहीं है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को ख़त्म करने के लिए हो रहा, जैसा कि आप बिहार में देखिए कि नीतीश कुमार को कम सीटें मिली थी फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार साइडलाइन होते जा रहे हैं। सेम चीज क्या यहाँ भी होगा, ये भी बात चल रही थी कि नीतीश कुमार को सेंटर में बुलाया जाएगा और जेडीयू लगभग खत्म होने के कगार पे है बिहार में, तो ये बीजेपी का कहीं ऑपरेशन लोटस एक लॉन्ग टर्म प्लान तो नहीं है शिवसेना को खत्म करने के लिए और बीजेपी का महाराष्ट्र में प्रभुत्व बनाने के लिए? देखिए यही तो डर है शिवसेना का, जब ये साथ में लड़े थे और दोनों को चाहिए था कि ढाई ढाई साल की मुख्यमंत्री का पद मिले, सबसे बड़ा डर शिवसेना और उद्धव ठाकरे और उनके जो जो शिवसेना के नेता है कि भाजपा वो उनको खत्म करने में जुटी हुई है, और जब तक ये मानसिकता से भाजपा चलेगी तब तक हम दोबारा नहीं आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इतना आसान है कि इतने एक बड़े पार्टी का जिसका अभी भी दबदबा है महाराष्ट्र में, मुंबई में है, आप नहीं देखिए 2014 में और 2019 में जब मोदी वेव जो हम कहते हैं जो एक पीक पे था, नरेंद्र मोदी का करिश्मा सबसे ज्यादा था इस पिछले 8 सालों में हम देखते हैं, तब भी भाजपा अकेले ये चुनाव नहीं जीत पाई थी महाराष्ट्र के, तो जाहिर सी बात है कि एक हद तक वो आगे अपनी सीट ला सकती, 106 मिले थे, 115 मिलेंगे, लेकिन 144 तक पहुंचना उनको किसी का सहयोग चाहिए होगा, ये किसका सहयोग मिलेगा? एकनाथ शिंदे अभी जो है वो क्या अपने बलबूते पे इतनी सीट ला पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और भाजपा जो अकेले जाएगी क्या वो ये यहाँ इस हद तक पहुंच पाएगी? मुझे लगता नहीं है। देखिए अभी भी देखिए शिवसेना को ये जो गुट है एकनाथ शिंदे का, उनको मर्ज नहीं किया है, अभी भी उसको शिवसेना के रूप में जिंदा रखा है, माने कि यानी कि ये चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक है अभी भी वो मानते हैं कि ये शिवसैनिक की वोट बैंक जिंदा है, बाला साहेब ठाकरे के का जो एक लेगेसी है, एक फिलोसफी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, अभी भी महाराष्ट्र में जिंदा है, उनके लिए मतदान देने के लिए लोग अभी भी तैयार है, तो उसका फायदा क्यों ना उठाए, इसके लिए शिवसेना को अभी भी जिंदा रखा है। कौन शिवसेना है वो कोर्ट में जाएगा, वहां न्यायालय में नतीजा मिलेगा, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा ही चाहिए, उनको चाहता वो चाहते थे कि इसको हटा दीजिए, शिवसेना को तुरंत ही खत्म बनाया, तो एकनाथ शिंदे को बोलते आप हमारे साथ जुट जाइए, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं किया है। लेकिन हम इस पे विनोद जी का भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। विनोद जी जो तेजस जी बोल रहे हैं क्या आप उससे वाकिफ हैं? क्योंकि अगर हम ये देखें कि जैसा कि वो बता रहे थे कि शिवसेना का है प्रभुत्व, लेकिन अगर 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को हम देखें तो वहां विनिंग परसेंटेज, नंबर ऑफ सीट्स विनिंग का जो परसेंटेज था वो बीजेपी का शिवसेना से ज्यादा था, नंबर ऑफ जितने सीट पे वो लड़े थे उससे वो ज्यादा सीट जीते थे, परसेंटेज वाइज अगर देखिए तो शिवसेना कम सीटें जीती थी, तो ये लॉन्ग टर्म में क्या एक तरह से बीजेपी का वो ऑपरेशन लोटस की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है कि वो महाराष्ट्र में हम अपना प्रभुत्व बना लें और शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करें? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सर्वे रिपोर्ट है या समय समय पे वो सर्वे करते रहते हैं, उसके अनुसार उन्हें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलेगा, जब तक अमित शाह हैं तब तक वो महाराष्ट्र में अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि आएंगे कि नहीं आएंगे ये जब इलेक्शन होगा तभी ये स्पष्ट हो पाएगा। देखिए अब इसके पीछे की एक रणनीति समझने की बात है, भारतीय जनता पार्टी जब अपने बल पे चुनाव लड़ती है तो कम से कम वो 106 यानी 100 का
आंकड़ा वो पार कर लेती है। अब एकनाथ शिंदे का गुट उनके साथ आ रहा है, अगर मान लीजिए ये अलग गुट करके चुनाव लड़ते हैं या इनके साथ मिलके भी लड़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये संभावना नजर आ रही है कि इनके साथ में मिला के हम 145 के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन लोटस की जो बात मैं कर रहा था वो ये है कि देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पीछे कर लिया है, एकनाथ शिंदे को आगे कर लिया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो आने वाले समय पे शिवसेना के अंदर जो घमासान होने वाला है उससे अपने आप को अभी भी दूरी रखने वाले हैं। एकनाथ शिंदे को ही उस फ्रंट फुट पे लड़ना है, और चूंकि इसके पीछे सारी चीजों के पीछे सरप्राइजिंग ये नाम आया है, तो कहीं भी अब इस बात में शक नहीं रहा कि ये सारा खेल जो है अमित शाह के स्तर पे हुआ है। अमित शाह के दिमाग से सारी चीजें हो रही थी और अमित शाह का ही इसमें पूरा रोल होगा, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बनेगी, इसे देखने के लिए कम से कम हमें 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में कौन कौन लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसमें आ रही है कि बाहर से ही अगर समर्थन दे रही है, अगर वो बाहर से समर्थन दे रही है तो शिवसेना का जो ये गुट है उसकी स्थिति और मजबूत होगी। और अगर फेलुअर भी आएगा, क्योंकि 2.5 साल का ही वक्त है और 5-6 महीने के अंदर ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, और 36,000 करोड़ की मुंबई महानगर पालिका किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। नहीं, वो आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें फडणवीस जी ने क्लियर किया कि वो कोई पद नहीं लेंगे, वो सरकार को ऊपर से देखेंगे, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के लोग मंत्री बनेंगे, यानी दोनों सरकार में शामिल होंगे। आज जो ओथ होगा वो सिर्फ एकनाथ शिंदे का होगा, बाद में कैबिनेट एक्सपेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे समझना है तेजस जी से, 2024 लोकसभा और 2024 विधानसभा, ये दोनों जो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह का समीकरण आपको महाराष्ट्र में आज के फैसले के बदौलत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जब ये जो एकनाथ शिंदे का गुट था वो गुवाहाटी से बोल रहे थे, तभी केसरकर जी ने, जो उनके प्रवक्ता बने हैं, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का नाम हम रखने वाले हैं शिवसेना बालासाहेब ठाकरे। तभी संजय राउत और सबने बोला था कि आप ये नाम से नहीं रख सकते, ये हमारा नाम है, आप अपने पिताजी के नाम से रखिए, ऐसी बातचीत चल रही थी वहां। तो देखिए, सबसे अहम चीज क्या है, वो बालासाहेब ठाकरे का नाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, दोबारा ले रहे हैं, अपना पार्टी का नाम भी बालासाहेब ठाकरे से रखना चाहते हैं। और जिस बात पे मैं जब भी बोल रहा था कि ये जो एक वोट बैंक है वो बालासाहेब ठाकरे के लिए वो अभी जिंदा है, और वो भाजपा नहीं खोना चाहती है, इसके लिए इसको अभी भी जिंदा रखा है। अब जो मैं इस बात दोहरा रहा था, इसका पुष्टिकरण सामने आया है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे जो एकनाथ शिंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, और वहां कह रहे हैं कि भाजपा के पास 120 एमएलए है, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का पद नहीं लिया। मैं अपना ग्रेटिट्यूड उनको शुक्रिया करता हूँ, अलॉन्ग विथ मोदी जी को, अमित शाह जी को, और सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि उन्होंने उदारता दिखाई है और बाला साहेब के शिवसैनिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ये बहुत अहम है कि वहां फिर इस मौके पर भी, इस क्षण पे भी वो दोबारा बाला साहेब के नाम पे एक बार वो मुख्यमंत्री अब होने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये ठाकरे परिवार जो है उसका जो इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में रहा है वो बहुत लंबे समय से रहा है। ठीक है, एक समय तक वो मुंबई और पालघर और थाने तक सीमित थे, लेकिन पिछले 15 साल में उनका महाराष्ट्र में भी एक अपना ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये ग्रोथ के साथ बीजेपी सोचती होगी कि हम अपनी जो अपनी अपनी हम अपने आप 120 सीट ला सकते हैं, और शिंदे का गुट जो है, बाला साहेब ठाकरे का जो एक शिवसेना बनने वाला है, वो 30 सीट भी ला पाए तो भी हम एक नई सरकार बना सकता है 2024 पे, जो राज्य का चुनाव होगा। और जो एकनाथ शिंदे है वो थाने से आते हैं, थाने मुंबई से बहुत नजदीक है, उनका वहां भी दबदबा है, मुंबई में भी दबदबा है, तो वो चाहते हैं कि ये दबदबा उसका सही इस्तेमाल किया जाए। सही इस्तेमाल जब होगा, जब वो भाजपा में नहीं ज्वाइन करते हैं, वो अभी भी शिवसेना का नाम, बाला साहेब ठाकरे का नाम को उजागर रखे। और वो, हाँ, जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे यही करने वाले हैं, वो अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगने वाले हैं, लेकिन
जो भी सीट वो लड़ते हैं, ठीक है, एक एक जो जो मत होता है वो एक वोट बैंक, वोट बैंक जो होता है उसमें एक एक कट हो जाएगा, एक डिविजन हो जाएगा, और इसमें फायदा भाजपा को मिल सकता है। मुझे यही लगता है, यही कारण है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इतना छिंडे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरविंद जी, बीजेपी की इस तरह की राजनीति की रणनीति को लेकर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जो हमने होता हुआ देखा है, जो मास्टर स्ट्रोक हम कह रहे हैं कि एक मारा है बीजेपी ने, ये किस तरह का नया आयाम है राजनीति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक विचारधारा के साथ साथ जो उसका अपना राजनीतिक जो विस्तार है वो दोनों साथ लेकर के चलती है। देखिए, महाराष्ट्र में एक जो प्रयोग वह की है उसके दूरगामी संकेत है। संकेत यह है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनका केवल इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि उनकी जो भूमिका होती है उस आधार पर उनकी जिम्मेदारी भी तय करते हैं, जैसा कि उसने एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी तय की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए, कांग्रेस शासित दो राज्यों में, राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां बवाल चल रहा है, अंतरकलह जोरों पर है, यानी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने किस मुद्दे इसके जरिए संदेश दिया है कि अगर जो है हमारी विचारधारा से मिल खाता हुआ अगर कोई हमारे साथ खड़ा होने का साहस दिखाता है तो मैं उसके साथ खड़े होंगे, यानी वो संकेत है। दूसरी चीज जो है, आमतौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये मान के चल रही है कि जैसे दक्षिण के कुछ राज्य हैं, कुछ एक दो पूर्वोत्तर के बचे हुए हैं, वहां पर भी जो अपना राजनीतिक विस्तार करे तो ऐसे लोगों को जो थोड़ा पद और कद बड़ा रखते हैं भले ही दूसरे पार्टी के, उनको पूरी तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र का तो अपना मसला है कि एकनाथ शिंदे किस तरह बीएमसी के चुनाव में उनकी जो अगली परीक्षा होगी उनको साबित करना होगा। इसके अलावा जो है 2024 का इलेक्शन है, लेकिन जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय भी काफी जो है गुजरात में भी है, और निसंदेह जो वहां पर भी एक संकेत की कोशिश हो रही है जो कि इस साल के अंत में वहां पे चुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से निर्णय लेती है उसका कोई एकांगी व्याख्या नहीं, उसकी चतुर्दिक जो है मीमांसा होती है, उस आधार पर जाकर के तय होता है कि उसके नतीजे क्या निकलते हैं। तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दाव खेला है ये आप देखिए, अमूमन कहा जा रहा है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो पूरी तरह से मजबूत है, विखंडन नहीं होगा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, लेगेसी भारत में परिवर्तित होती रहती है, आपने देखा है आंध्र प्रदेश में 1995 में वो एनटी रामाराव से किस तरह से लेगेसी को जो उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ले उड़े, कहा जाता था कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वहां पे नेता के तौर पे स्थापित हो गए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां पे जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अजीत सिंह उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, मुलायम सिंह यादव उसको ले उड़े। तो जो नेता जो है समाज में जो अपने पद और कद को दोनों स्थापित करता है, जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, और जिस तरह से आज की तारीख में परिवारवादियों का जो हश्र हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि एकनाथ शिंदे ये जो लंबी रेस के घोड़ा है और वो बड़े तालाब की बड़ी मछली साबित होने जा रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ये केवल ये मत मान के चलिए कि चूंकि उनको मुख्यमंत्री बना दी, ये पूरी जो है जो सरकार चलाएगी भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, और 2024 के आलोक में उस रोशनी में जो है वह सरकार चलाने की कोशिश करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा दाव खेला, उसके लिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए जो है अपना जो दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है जहां से पूरे भारत का जो है किस्मत तय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में इस समझौते को आकार दिया है, और इसी नाते जो है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एम है कि हम अपने पूरे इंडिया में अपने आप को फैलाएं, कुछ राज्यों तक सीमित ना रहें, और महाराष्ट्र उसमें एक बड़ा राज्य है। विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सहमत हैं अरविंद जी के बातों से कि बीजेपी के एक्सपेंशन प्लान का ये एक हिस्सा है? मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, और मैं तेजस जी ने जो बात कही उस चीज को थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मुंबई की 36 और थाने और पालघर को मिला के जो 24 विधानसभा की सीटें हैं उसको भी साधने की कोशिश हुई है, यानी 288 की जो विधानसभा है उसमें से 50 के आसपास विधानसभा सीटें ये मुंबई, थाने और पालघर की आती है। तो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से अगर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में या संगठन इनके गठबंधन में ये 50 से अधिक सीटें आ जाती है, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री वापस से भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन का बनना तय होगा। दूसरी चीज, महाराष्ट्र से आज राजस्थान में संकेत देने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को यह संकेत देने की कोशिश की गई है, अगर वो कुछ तरह से इसी तरह से साहस कुछ दिखाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो राजस्थान में ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं हुआ है वो सक्सेस हो सकता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, हम आप तेजस्वी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है अभी तो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, आगे चल के कोर्ट में फैसला होगा कि असल शिवसेना कौन है, वो इन्हें मिले या उन्हें मिले, फ्यूचर में क्या अगर सिचुएशन इंप्रूव करती है तो एकनाथ शिंदे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हाँ ऐसे ऐसे कानूनी हालात हो गए कि इस नए दल को एक नया नाम नहीं मिल सकता है, पुराना जो जो नाम था शिवसेना वो भी नहीं ले सकते हैं, नया नाम भी नहीं लगा सकते हैं, और उनको भाजपा के साथ जुड़ना ही है, तो मुझे लगता है वो अलग चीज होगी। लेकिन देखिए इलेक्शंस में राजनीति में सब कुछ एक पर्सपेक्टिव होता है और परसेप्शन होता है, इसमें लोगों में परसेप्शन क्या है वो सबसे अहम है। कि यहाँ आप देखेगा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री का पद के लिए एक झिकझिक नहीं की है, उन्होंने त्याग कर दिया और उन्होंने सरकार को अभी तक जी, मैं आपको बीच में इसीलिए काट रही हूँ क्योंकि अगर ऐसी ही मंशा थी बीजेपी की तो 2019 में क्यों नहीं बनने दिया शिवसेना का मुख्यमंत्री, क्यों अब जाके वो इस बात पे तैयार हुए हैं कि ये है असली शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की, और पूरी तरह से जब उद्धव खेमे को आपने खत्म कर दिया है उसके बाद आपने एक शिवसेना जो की नई शिवसेना है उसका मुख्यमंत्री खड़ा किया, इसके पीछे क्या सोच और क्या रचना? देखिए वो एक अलग समय था, तभी जब इलेक्शन चुनाव हुए थे भाजपा को लगता है 103 सीट मिले थी और शिवसेना को लगभग 55 सीट मिले थे, लगभग आधे थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे थे कि हम कैसे आपको पूरा समय दे सकते हैं। हालांकि जो सेना के लोग हैं वो बोलते हैं आप लोग ने प्रॉमिस किया था, अमित शाह जी ने बोला था, तो इसकी वजह से तभी हालात अलग थे। और मैं मानता हूं कि यहाँ एक पर्सनल ईगो इसमें आ ही गया है, तो लेकिन आज हालत एकदम अलग बदल गए, एकदम अलग सिचुएशन है, क्योंकि ये जो बगावत जो हुई है सेना से इसमें भाजपा का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, ये नाराज तो थे ही, भाजपा ने सिर्फ उसका फायदा उठाया है, तो लेकिन एक जो दरार पड़ गई थी सेना के अंदर ही, वो मुझे लगता नहीं है कि इतने 40 विधायक इसमें से सब जो शिवसेना के मंत्री थे आदित्य ठाकरे के अलावा सब लोग गुवाहाटी पहुंच जाए, मुझे लगता ही नहीं कि इतना बड़ा एक एक ब्रेक और एक स्प्लिट कर सकती है भाजपा अकेले ही। जाहिर सी बात है जो लोग थे वो भी थक गए थे, और सबसे अहम बात देखिए अब ये जो एमबीए थी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस, सबसे बड़ा डर जो विधायकों को था कि अगले साल 2017 में जब हम लोगों के पास जाएंगे जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे, 2019 में जाएंगे हम कैसे मत मांगेंगे, क्या शरद पवार सोनिया गांधी या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पे दोबारा जाके लोगों को मत मांगेंगे, वोट मांगेंगे, हम तीनों साथ आ गए हैं अभी अब हमें दीजिए। यही चीज जो विधायक थे वो उनको लड़खड़ाई थी कि ये मुमकिन नहीं है, हम इतने साल से एक अलग आइडियोलॉजी है हमारी, हम अपने आप से हम कंटेस्ट करते हैं, अपने अगेंस्ट कंटेस्ट करते हैं, हम कैसे एक साथ आके लोगों को वोट मांगे हमें दे देंगे, तो यही एक सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन था इस अलायंस के लिए। हाँ ठीक है पोस्ट पोल अलायंस के लिए सरकार बनाने के लिए वो अलग बात होती है, लेकिन दोबारा आप कैसे अपने आप को इलेक्ट हो पाएंगे ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है ये शिवसेना के बागियों के लिए, तो इसकी वजह से वो चले गए थे। तो मुझे लगता है अभी आगे की रणनीति यही होगी कि पहले तो ये दल को माना जाता है कि नहीं, क्या वो असली शिवसेना है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे होने वाली है, या कोर्ट कहते हैं कि आप भाजपा में चले जाए, भाजपा में चले गए तो मुझे लगता है अभी मुझे लगता है तभी भी मुझे लगता नहीं है फडणवीस वापस आए, क्योंकि देखिए सबसे अहम चीज अभी भी होगी कि आप जो ठाकरे परिवार का जो वोट बैंक है, सेना परिवार का वोट बैंक है, वो आप खत्म ना कर दे अभी भी, जब तक भाजपा समझती है कि हम अपने बलबूते पे अकेले हम 150 सीट ला सकते हैं, तब तक मुझे लगता नहीं है कि भाजपा तय करेगी कि हम शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो ये एक ये है कि भाजपा बिल्कुल जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाए कि हम 150 सीट लाएं तब तक वो नहीं करेगी शिवसेना को अलग, लेकिन चीज जैसा कि मैंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखिए तो परसेंटेज के आधार पर भाजपा इंप्रूव कर रही है महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, और शिवसेना जो थी वो
पहली बार शायद उद्धव जो थे वो बालासाहेब के परिवार से चीफ मिनिस्टर बने थे और हमेशा शिवसेना अपोजिशन में ही रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि शिवसेना जो थी वो सरकार का आने का एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरा उन्हें लगने लगा था कि आगे आने वाला चुनावों में हम क्या कह के लोगों के पास जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे, जिस कांग्रेस या जिस एनसीपी के अगेंस्ट शिवसेना सालों से लड़ती आ रही थी वो कैसे फिर उनसे ये फिर वोट मांग पाएगी जनता से। चलिए इस बीच हम आपको ले चलते हैं उन तस्वीरों की ओर जो कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पे, जहां पर गोवा में जितने भी विधायक हैं वहां पर किस तरह से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है जब इसका ऐलान किया गया देवेंद्र फडणवीस के जरिए कि महाराष्ट्र के सीएम होंगे एकनाथ शिंदे। आप ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं गोवा के होटल में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है विधायकों की तरफ से, और ये देखिए ऐसे लग रहा है कि वाकई इनकी प्लानिंग जो थी वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ हम आने वाले वक्त में हो सकता है बीजेपी के तमाम दफ्तरों में भी महाराष्ट्र में ऐसे ही जश्न का माहौल भी देखें। लेकिन तेजस्वी, अब आप ही से लेना चाहेंगे आखिरी कमेंट, काम काज दोनों मिलकर कैसे करेंगे, किसका ज्यादा से होगा, किसकी ज्यादा निर्णय लेने की ताकत होगी? देखिए ये सरकार भी एक तरीके से कि रिमोट कंट्रोल सरकार ही होने वाली है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो भाजपा के पास है, वो चाहती थी तो वो सरकार बना सकते थे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक कारणों से कारणों के वजह से उन्होंने पद दे दिया है एकनाथ शिंदे को। तो उनका मकसद अभी पहले तो यही होगा कि डबल इंजन की जो बात हो रही थी कि सेंटर में भी हो और राज्य में भी एक एनडीए की सरकार हो, तो वो वही चाहेंगे कि वही एक, एक, एक स्पीड दोबारा लिया जाए, कोई रुकावट ना हो। और वो एक ही कारण नहीं है, देखिए हमने देखा था कि जो जिस तरीके से पुलिस मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल किया गया था, काफी सारे मुद्दे थे, पालघर साधुओं का एक इशू था, फिर हमने देखा वो हनुमान चालीसा का एक इशू था, तो ये काफी सारी चीजें हैं वो एक तरीके से अभी एक खत्म हो जाएगी, थोड़ा हम शांति का माहौल महाराष्ट्र में थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इसमें जो रिमोट कंट्रोल अभी जो पहले मातोश्री में था बाला साहेब ठाकरे के जमाने में, अभी वो फडणवीस के और भाजपा के पास होगा, और ये तब तक वो करते रहेंगे जब तक बीएमसी का चुनाव मुझे लगता है ये साल ही है नवंबर में चुनाव होगा, तो तब तक ये मुझे लगता नहीं है कि इसमें वो कोई भी अस्थिरता लाएंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज होगी बीजेपी के लिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी का चुनाव ना जीते, क्योंकि पहला लक्ष्य उनके लिए यही होगा। अब देखना होगा जिस तरह से आपने रिमोट कंट्रोल की पूरी गुत्थी बताई है वो किस ओर जाकर बैठती है, तो मोदी सरकार का विजन हो या बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व का विचार हो, एकनाथ शिंदे अब है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। शाम को 7:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह है और आज के इस शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। नजर होगी हमारी इस पूरे इवेंट पर, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला इस खास पेशकश में आपने शिरकत की, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।